हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार का दिन और ये समय हो रहा है शाम के 6:30 का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट नाश्ता, क्योंकि मुझे इस समय कुछ नाश्ते का कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। तो सो हम बनाने जा रहे हैं आंवले की चटनी। मैंने आंवले की चटनी की रेसिपी पहले भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर की थी, इस बार थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। इसमें हरा पत्ता, धनिया, सोया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और आंवला है और सादा नमक, जीरा। और उसके साथ मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चिल्ला, जो मेरा तकरीबन 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, आधा कटोरी सूजी और एक चम्मच मेरा है जीरा और आधा चम्मच तकरीबन है हमारा हल्दी पाउडर और हरा धनिया। और फिर उसके बाद हम इसमें लास्ट में ही डालेंगे इसमें नमक। इसका जब हम घोल तैयार कर लेंगे तब हम आखिरी में इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है और सूजी हमारा पानी सोखता है। तो हम यहाँ कटोरी में थोड़ा थोड़ा पानी लेके डालेंगे इसमें। इस घोल में तकरीबन एक कटोरी मेरा पानी भी लग जाएगा और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है कुछ ऐसी होगी, इसका थिकनेस इतना ही होना चाहिए। लेकिन अभी हम इसे घोलने के बाद 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, जिससे हमारा सूजी अच्छे से इसमें फूल जाए। तो चलिए, मेरा सूजी फूल गया है। अब हम इसमें लास्ट में नमक मिला देते हैं और इधर मैंने तावा भी रख दिया है, तावा मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो फिर चलिए हम तुरंत देर ना करते हुए फटाफट अपना इसमें चिल्ला बना लेते हैं। तो इस चिल्ले को बनाने के लिए कम से कम तेल और कम से कम समय की ज़रूरत होती है। इंस्टेंट नाश्ता अगर कुछ ना समझ में आए तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ हमने इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर दिया, क्योंकि अभी ये मेरा पहला पीस है। तो थोड़ा सा मुझे तेल भी यहाँ डालना है, बहुत ज़रा सा तेल यहाँ लगेगा। तेल की क्वान्टिटी हमें बहुत कम ही रखनी है, क्योंकि हम ऑयल अधिक यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। तो बस 2 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा खूब क्रिस्पी, खूब कुरकुरा चिल्ला तैयार हो गया है, जो आंवले की चटनी के साथ खाने के लिए। तो आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने घर में या अपने वहाँ चिल्ला जो बेसन का बनाते हैं उसे क्या, उसमें क्या क्या मिलाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो उस रेसिपी को मैं भी अपने इस ब्लॉग में ज़रूर शामिल करूँगी। जैसे फ़िलहाल मैं बनाती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये मेरा पहला चिल्ला बन के तैयार हो गया। वैसे मैं इसे उसी तरीके से मैं दूसरा पीस भी बना लूँगी और इसे मैं आसानी से इसे हम मतलब फैला सकते हैं, फैलाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये देखिए कितना ईजिली हमारा ये अच्छे से तावे पर फैल गया। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बस सूजी हमारा बहुत मोटा नहीं या महीन नहीं होना चाहिए, सूजी हमारा बीच का होना चाहिए। और सूजी अगर आपका मोटा है तो आप इसे 2 से 3 मिनट तक रेस्ट के दीजिए घोलने के बाद। अगर सूजी आपका महीन है तो बस 2 सेकंड भर की देरी होनी चाहिए और उसके बाद आप तुरंत बना सकते हैं। तो ये मेरा आखिरी पीस भी चिल्ला बन के तैयार हो गया, देखने में बिल्कुल पेपर डोसा जैसा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई, और अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को विज़िट किया कीजिए, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में और अपने जान पहचान वालों में इसे शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है और आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करने की उम्मीद रखती हूँ मैं। तो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप आइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, मिलती हूँ फिर मैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।